देखो यार, मुझे ये नहीं पता कि तुम इस बात से वाकिफ हो या नहीं कि Netflix अपने एनिमेटेड वाले डिपार्टमेंट में काफी फैबुलस कंटेंट लाता रहता है, जैसे कि लव डेथ एंड रोबोट्स, ब्लड ऑफ ज़ियस, कासलवेनिया, आर्केन एंड अभी कुछ ही टाइम पहले स्ट्रीम किया गया टॉम राइडर द लेजेंड ऑफ लारा क्रॉफ्ट, जहां इन्हीं के जैसा काफी फ्रेश और नॉर्स माइथोलॉजिकल एनिमेटेड शो मैंने रिसेंटली Netflix पे देखा, जिसको क्रिएट किया है क्रिएटिव मास्टर ज़ैक स्नाइडर ने। अब वीडियो में आगे बढ़े और इस सीरीज के एकदम डीप में जाएं उससे पहले हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स सीरीज के बारे में। अब भाई ये सीरीज पूरी बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पे, जहां थॉर, ओडिन, लोकी जैसे गॉड्स की कहानियां और किस्से अपना अस्तित्व रखती हैं। एंड इन्हीं कहानी और किस्सों को ध्यान में रखते हुए ये स्टोरी चालू होती है एक जाइंट लड़की से, जो कि इस जाइंट नाम की स्पीशीज से बिलोंग तो जरूर करती है लेकिन जाइंट जैसी हाइट है नहीं इसके पास, जहां एक दिन इस लड़की जिसका नाम सीग्रेड होता है, हाँ सीग्रेड नॉट अ सीग्रेड ओके, तो उसकी शादी के दौरान थॉर सन ऑफ ओडिन इसकी शादी में आके काफी केओस और मास मर्डर करके चला जाता है, बिकॉज नॉर्स गॉड इंटरकास्ट मैरिज को हेट करते हैं और इसीलिए थॉर ओडिन के कहने पे सीग्रेड के अलावा उसकी पूरी फैमिली ट्री को ही खत्म कर देता है। लेकिन सीग्रेड के सर्वाइव कर जाने से अब उसको थॉर से बदला लेना है एंड इसी रिवेंज वाले एंगल पे ये पूरी सीरीज बनी हुई है, जहां बेसिकली यहां सीग्रेड से एक जर्नी की शुरुआत होती है जिसमें इसका साथ कुछ ऐसे लोग देते हैं जो कि खुद थॉर और उसके जैसे देवताओं से टॉर्चर्ड हुए होते हैं। अब क्या सीग्रेड अपना रिवेंज लेने में सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर देवताओं के हाथों मर के ये भी अपनी डेस्टिनी किसी नॉन इंपॉर्टेंट वॉरियर की तरह बना लेगी, जानने के लिए देखनी होगी ये सीरीज, जो कि टिपिकली 8 एपिसोड के साथ आती है एंड ईच एपिसोड की लेंथ 20 से 25 मिनट तक की है, लास्ट वाले एपिसोड को छोड़ के जो कि 45 मिनट का है। अब देखो, आपका तो नहीं पता लेकिन मुझे नॉर्स माइथोलॉजी एंड इनके गॉड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ये सीरीज बिंज वॉच की, क्योंकि इसको देखते टाइम मुझे ऐसा कोई भी सीन नॉनसेंस या स्ट्रेचेबल नहीं लगा। इवन बताऊं तो ये एक 18 प्लस मैच्योर सीरीज है, जो कि न्यूडिटी, वायलेंट लैंग्वेज, ब्रूटैलिटी, एक्शन से फुल्ली लोडेड है, जो कि काफी अच्छी स्टोरी के साथ हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। एंड ज़ैक स्नाइडर को इस सीरीज के लिए फुल फ्रीडम मिली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी फैंटेसी बहुत ही डिटेलिंग के साथ इस सीरीज में उतारी है। भाई एनिमेशन होते हुए भी आपको कहीं भी सीरीज का वर्क वीक फील नहीं होगा, एक दो जगहों को छोड़ के सीरीज आपको एक हाई क्वालिटी वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगी कम और एंगेजिंग रन टाइम के साथ, जिसमें आपको कैरेक्टर्स की थोड़ी बैक स्टोरी भी बताई जाती है ताकि हम उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाए। हालांकि कनेक्शन उतना स्ट्रांग बन नहीं पाता कैरेक्टर से, बट स्टिल हमें उनके इमोशन समझ आ जाते हैं, जिसके ऊपर से हमें मार्वल में दिखने वाले ह्यूमर्ड थॉर, लोकी एंड ओडिन के डार्क साइड को देखने का भी मौका मिलता है इस सीरीज में, कि देवता अपने से छोटी लाइफ को कितना छोटा समझते हैं एंड उन पे कितने जुल्म करते हैं। जहां इस सीरीज को भाई आप ऐसे मान सकते हो कि स्टोरी चलती रहती है और बीच में काफी ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारे ब्रीथ होल्डिंग मूवमेंट्स पे सीरीज के एपिसोड्स एंड होते हैं, जो कि अगले एपिसोड के लिए हमारे अंदर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी भर देते हैं, जिससे हमें इसका अगला एपिसोड देखना ही पड़ता है। इतना पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती जाती है ये सीरीज इसके एक एक एपिसोड के साथ। बाकी नेगेटिव में सीरीज के बारे में कहने को कुछ है नहीं मेरे पास, बिकॉज मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर मुझे ऐसी सीरीज देखना बहुत पसंद है जो कि टाइम लेके अपने सरप्राइजेस रिवील करती है। एंड अगर आपको भी नॉर्स माइथोलॉजी एंड उनके देवताओं में इंटरेस्ट है तो फिर ये सीरीज आपको बहुत शानदार टाइम देने वाली है, बट अकेले में ही देखना चीजें बहुत ही गोर दिखाई गई है इसमें। जहां ओवरऑल बात करें तो ये मेरे लिए एनिमेशन का काफी गुड एक्सपीरियंस था Netflix की तरफ से एज एक्सपेक्टेड, जहां मैं इसे हाईली रेकमेंड भी कर सकता हूं। इसकी अच्छी स्टोरी, ग्रिपिंग प्लॉट, क्वालिटी एनिमेशन एंड स्पेशली इसके एडोरेबल टाइम लेंथ की वजह से। अब इसी के साथ, अब अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो और सीरीज को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।